फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? और आज आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज इग्नोर करिएगा ये नॉइज, क्योंकि तब एकदम आप लोगों को पता है रोड साइड में ही मेरा घर है, तो ये सब आवाजें आती हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा। तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी पर। तो आज महाशिवरात्रि है और मेरा उपवास है आज। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप सब में से किसने किसने उपवास रखा है आज। और मेरा भी है, चिंकी का भी है और चिंकी के डैडी का भी है, वो भी आज उपवास रख लिए हैं कि नहीं, आज मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा भी उपवास है। केवल ध्रुव का नहीं है, ध्रुव नहीं किए हैं, वो नहीं करता है, उससे नहीं हो पाएगा। तो बस आज पूजा हम लोगों ने घर में ही कर लिया है, घर में पूजा करी, क्योंकि मंदिर तो सब बंद है, तो घर में पूजा अच्छे से पूजा हो गया। और हर साल हम लोग जाते थे मंदिर, मेरे घर के पास में ही शिव मंदिर है, बहुत बड़ा और काफी खूबसूरत मंदिर है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी शिव मंदिर का, पूरा दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत मंदिर है हमारे घर के पास में। लेकिन हम लोग मंदिर नहीं जा पाए हैं, तो घर में अच्छे से पूजा हो गया। मैं दिखाऊंगी भी, आप पूजा करी हूँ मैं तो, सबका पूजा पाठ हो चुका है। और अभी मैं जाऊंगी मखाना और बादाम भूनूंगी, वो चिंकी को, उसके उनके डैडी को दूंगी खाने, मैं भी लूंगी चाय के साथ। और मेरी मेहंदी देखिए, अभी भी जो मैरिज डे में लगाई थी ना, अभी भी देखो कितना काफी अच्छा रचा था, अब तो निकल रहा है, कलर निकल रहे हैं अब, अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ मखाना बादाम भूनूंगी। और फ्रेंड्स, आज ही के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि मेरी एनिवर्सरी पे मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला है, वो सब मैं आप लोग को आज इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और फ्रेंड्स, अगर जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक भी किया करो फ्रेंड्स प्लीज, और ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। और सारा गिफ्ट मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग को आज दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, और गिफ्ट भी देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मखाना बादाम भूनते हैं और खाते हैं चाय के साथ, चलिए। तो ये देखिए, हम लोगों ने अपने घर में ही मंदिर में पूजा किया है आज शिवरात्रि का। और फिर उसके बाद बिना नमक का मैं बादाम और मखाना भूनूंगी और चाय के साथ हम लोग खाएंगे। फ्रेंड्स, अब टाइम है गिफ्ट दिखाने का जो एनिवर्सरी के दिन मुझे मिला था। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, याद होगा ये बेडशीट जिसमें कि पूरा लूडो बना हुआ है, ये बेडशीट जो मेरे भैया भाभी ने मुझे एक दिन पहले ही गिफ्ट दे दिया था। इसके साथ दो पिलो कवर भी है, और मैं एक मिनट दिखाती हूँ, सेम चादर में भी ऐसा ही है जो मैं आप लोग को वीडियो में पूरे दिखाई हूँ अच्छे से। ये लूडो बना हुआ है, चादर में भी सेम यही प्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपने बच्चों का गिफ्ट जो उन्होंने मुझे दिया है, वो ये है। इसके ये गिफ्ट जो है बहुत प्यारा है, वैसे तो सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे भैया भाभी ने जो दिया है, मेरे फ्रेंड ने, मेरे हस्बैंड ने, सब गिफ्ट बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे प्यारा गिफ्ट ये है, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने मुझे हमें दिया है और ये बहुत खूबसूरत है। ये मैं
आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ, खोलने पे पूरा ठीक से नहीं पता चलेगा, अभी मैं बैक कैमरे से अच्छे से पूरा आपको ओपन करके दिखाती हूँ, तो आप लोग को अच्छे से ये गिफ्ट पता चलेगा कि ये क्या है। तो चलिए इसको मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ ये गिफ्ट। और ये देखिए, ये है गिफ्ट जो बच्चों ने हमें दिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक टाइप का गिफ्ट है ये, हम सबको बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर लगा ये कि बच्चों ने इतना सोचा और इतना अच्छा गिफ्ट तैयार किया जिसमें हम सबके फ़ोटोज़ हैं, हम चारों के, और पूरा फोटो है ना, 23 फोटोज़ हैं इसमें, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मैं ओपन करके आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए। दिखा रही हूँ आप लोग को, जो मेरा भाई पनवेल में रहता है, मेरा छोटा भाई वंशु की मम्मी पापा, उन्होंने भी एक गिफ्ट दिया है जो बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद आया है। ये कैसरोल जो काफी सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। और चलिए मैं इस को निकाल के दिखाती हूँ आप लोग, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगता है आप लोग को भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, काफी सुंदर है और काफी बड़ा भी है। इसका डिजाइन देखिए, ऐसे हैंडी है और इसका ये जो इसका लीड है ये भी हैवी है काफी, मतलब हल्का नहीं है, हैवी है ये भी। ये था मेरे जो पनवेल में भाई भाभी रहते हैं उनका गिफ्ट, काफी सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड जो प्रेरणा है, उसका गिफ्ट मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। उसने एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मुझे कुर्ती गिफ्ट किया है जो मुझे काफी पसंद आया। ये देखिए, इसका कलर और डिजाइन सब बहुत सुंदर है, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। काफी सुंदर है, स्लिम है ऐसा, इसका डिजाइन देखिए बहुत सुंदर लगा मुझे ये, अच्छा है। इनके लिए भी एक टी शर्ट है, मेरी फ्रेंड ने इनके लिए भी एक टी शर्ट दिया है। आती है बारी इनके गिफ्ट का, इन्होंने मुझे क्या दिया है, तो वो गिफ्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे गिफ्ट दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो
सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये देखो। ये वाला ईयर रिंग आप लोग को नजदीक से दिखाती हूँ। ये ईयर रिंग उन्होंने मुझे दिया है और दो तीन ड्रेसेस भी मुझे दिलाए दिए। तो ये ड्रेस तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं एनिवर्सरी के दिन शाम में पहनी थी। ये वाली ड्रेस नेवी ब्लू में है, डार्क नेवी ब्लू में है और नीचे इसका शरारा है इस टाइप का, और सेम वैसा ही दुपट्टा है। आप लोग मेरी एनिवर्सरी ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, उसमें मैंने यही वाला ड्रेस पहना है। ये ड्रेस भी मुझे काफी खूबसूरत लगा और सबको बहुत अच्छा लगा। जो भी आए थे उस दिन एनिवर्सरी के दिन, सबने इस ड्रेस की बहुत तारीफ की, सबको बहुत सुंदर लगा और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा ही। आप लोग भी देखिए, इसमें बस सिंपल सा प्रिंट है कि नहीं, देखो बहुत सुंदर है ये ड्रेस। और नीचे जो है शरारा है, शरारा ड्रेस है ये। और इसके साथ ही दुपट्टा एक ये हो गया, और अरे रे, और एक ड्रेस ये है, देखो रख ये हो गया। इन्होंने ही मुझे ला के दी, मैं पहनी नहीं हूं अभी, किस दिन आप लोग को पहनी दिख जाऊंगी। अभी तो बहुत सारे त्योहार हैं, होली आ रही है, तो शायद मैं दिख जाऊं पहने हुए। ये ड्रेस है, ये कुर्ती है, देखो कलर बहुत सुंदर है। और ये कॉलर वाला है, ये आगे से पूरा इस टाइप का है देखो, और बीच में ये नीचे साइड में ये खुला है। ये वाली ड्रेस है, और एक ड्रेस और है जो मुझे बहुत पसंद आई, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कितना खूबसूरत है ये, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। इसके गले पे वर्क है, ये देखिए इस टाइप से काफी खूबसूरत रेड है, ये बहुत सुंदर है। और ये ना फ्रॉक जैसा है, फ्रॉक जैसा है, नीचे पूरा ऐसा ही है। बस गले पे ये वर्क करा हुआ है, बाकी सब ये प्रिंट है। आप देखो नजदीक से, काफी खूबसूरत रेड है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला। देखिए गले पे ये ऐसे बना हुआ है, ये ड्रेस भी मुझे बहुत सुंदर लगा। तो यही था मेरे एनिवर्सरी पे जो मुझे गिफ्ट मिला था, वो सब मैं आप लोग को दिखाई। और आप लोग बताइएगा आप लोग को ये सारे गिफ्ट्स कैसे लगे। मुझे तो सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए। ये जो इतना सुंदर सा कैसरोल और इतने प्यारे से मेरे बच्चों का गिफ्ट, आप लोग को ये गिफ्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। इतने सारे फोटोज हैं इसमें, 23 फोटोज हैं पूरे इसमें। मुझे तो ये बहुत पसंद आया गिफ्ट, सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। आप लोग बताइएगा मेरा ये गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा, मुझे जो ये गिफ्ट मिला आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा।
तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।